थैंक यू. हम सभी को इस फिल्म से काफी उम्मीद है क्योंकि लोगों को ट्रेलर और गाने पसंद आए. आप बताइए कि आपको फिल्म रिलीज होने वाली आप किस फिल्म से कितनी उम्मीद है? यू नो ये मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ एंड आई होप बहुत ही प्यार से बनाई हुई ये फिल्म है. तो आई होप एवरीबडी गोज एंड वॉचेज इट एंड दे लाइक इट एंड आई थिंक एवरीबडी विल रिलेट टू इट. तो आई एम रियली होपिंग कि आप सब जाएंगे 1 जून को और वीरे दी वेडिंग देखेंगे. एवरी डे देयर वाज समथिंग और द अदर दैट वाज जस्ट अमेजिंग. All of us, Kareena is damn entertaining. Swara's life is very entertaining. And Sonam and I just laugh. What is the funniest moment? As I said earlier, na, ki har din kuch na kuch chal raha tha, which was really funny. I think there was a time when ek scene tha jahan Swara ko, she had to just jump down from a gate. एंड देन वॉक बिहाइंड अस. और वो बड़े बहुत ही बड़े हील्स में थी और अनफॉर्चुनेटली उस मेथड में वो थोड़ा उसका थोड़ा ट्विस्ट होकर वो गिर गई. एंड सोनम का फर्स्ट रिएक्शन आई ओके था एंड मेरा अनफॉर्चुनेटली इन सिचुएशंस में हंसी होती है. सो आई वाज या ऑल ऑफ देम. या आप ये एक्टर से नहीं पूछ सकते कि आपका फेवरेट मेमोरेबल सीन कौन सा है. सारे के सारे बहुत ही स्पेशल है. वी वर देयर फॉर अ वीक सो वी हैड वेरी लिटिल टाइम टू एक्सप्लोर फुकेट. बट वी हैड अगेन एज आई सेड व्हेन यू आर वर्किंग विद वुमेन एंड मेन हु यू हैव सो मच फन विद एंड यू हैव सो मच फन कोलैबोरेटिंग विद इट्स अ जॉय. सो इट्स इट इज ग्रेट फन. हाँ लेट द फिफ्थ ईयर फिनिश एंड देन लेट्स स्टॉप. ओके लोगों का ऐसा कहना है कि ये मूवी बहुत डिफरेंट सेट करने वाली है कि काफ़ी डिफरेंट है और बेंचमार्क सेट करने वाली है. तो आप बताइए आपके लिए ये कितना डिफरेंट होने वाला है ये फिल्म वीरे दी वेडिंग? फॉर मी ये जो आप कह रहे हैं कि ये बेंच मार्क फिल्म है और ये ट्रेंड सेट करने वाली है और आप क्या कह रही हैं बता बोल दीजिए. अलग सवाल नहीं मुझे ये लगता है कि ये फिल्म बहुत ही रिलेटेबल है. ये फिल्म चार दोस्तों के बारे में है उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है बस उसी के बारे में. सो आई थिंक इट्स एंड दे जस्ट हैपन टू बी गर्ल्स. सो आई थिंक एवरीबडी इज़ रियली गोइंग टू रिलेट टू इट एंड दैट्स द फन ऑफ दिस फिल्म. सो बॉयज़ गर्ल्स एवरीबडी शुड गो एंड वॉच इट. I am not a mother. I haven't eloped and gotten married. Meera bahut hi wo life ka maza leti hai. You know, she really enjoys her life and I think I'd like to I try to do that with my life. And she is very protective and fiercely loyal towards her friends. That I can completely tell you that Meera and me that is same. Yeah. अच्छी फिल्में कर रही हैं तो थैंक्स यार. ऐसा पर्टिकुलर रोल है जो आप चाहती हैं कि हाँ इस तरह का किरदार अभी मुझे करना है क्योंकि मैं कई फिर से आप देखिए ना ये एक्टर को ऐसा नहीं पूछ सकते ना मुझे तो सारे रोल्स करने हैं. क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा कहना होता है कि हाँ इस तरह का रोल है या मैं वही कह रही हूँ मुझे सारे रोल्स करने हैं. मुझे तो सारे रोल्स करने हैं सारे के सारे. इनफैक्ट यू नो टू बी वेरी ऑनेस्ट इसमें काफ़ी सारे जो the men in this film there are many characters that I want to play those also. So yaar actors ki question mat poocho ki ek aisa role sare. Okay, so first of June ko film aayi aapke fans ke liye. Haan ji please Veere Di Wedding is releasing on 1st of June aapki nazdeeki theater mein. To aap please aaiyega aapke sare veero ke sath aapki puri family ke sath just come and have fun. It's you're going to love it I hope. Yeah thank you so much.